हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस। और आप में से काफी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, वीडियो को पसंद कर रहे हो, तो आप में से काफी सारे लोग ये भी पूछते हो कि भैया कस्टम हम देख तो रहे हैं, सीख भी रहे हैं, पर खेलें कैसे, हम इन T1 टीम्स के अगेंस्ट कैसे खेल सकते हैं। तो मैं आपको सब कुछ समझा देता हूं और जितने भी अंधविश्वास वगैरह है ना वो सब मैं आपके क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने काफी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं अपनी कॉपी में। देखो सिंपल से 2-3 स्टेप सबसे पहले आपको कर लेने हैं। अगर आपके पास स्क्वाड नहीं है तो एक स्क्वाड बना लो, अगर आपके पास अच्छा डिवाइस नहीं है तो अच्छा डिवाइस खरीद लो, बिकॉज आप सभी को अब तो इतनी अवेयरनेस हो ही गई है कि भाई अच्छा डिवाइस नहीं होगा तो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, अगर मान लो स्टेज 4 या स्टेज 5 के जोन तक भी भाई 50-50 टीम्स अलाइव हैं, उसमें तुम्हारा डिवाइस हक देगा। तो पहले 2-3 चीजें अपनी क्लियर कर लो, एक प्रॉपर स्क्वाड बनाओ, एक प्रॉपर डिवाइस लो, उसके बाद आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अभी बात करते हैं आगे कैसे बढ़ना है और ज्वाइन कैसे करने बड़े बड़े अगेंस्ट T1 टीम्स। तो देखो पहले तो बहुत कुछ होता था, पहले किसी के डिस्कॉर्ड सर्वर में T1, T2, T3 के टैब्स बने होते थे, आपको T3 जाके ज्वाइन करना है, खेलते जाना है, परफॉर्म करते जाना है, वो अपने आप आपको T2 में शिफ्ट कर देंगे, देन और परफॉर्म करना है वो आपको T1 में शिफ्ट कर देंगे। बट T1 भी वो वाली टीम्स नहीं आती थी T1 में जो ये आपको दिख रही है, जैसे OG, सोल, ब्लाइंड, ये नहीं आती थी। पहले क्या होता था, T1 वो वाले होते थे उन डिस्कॉर्ड सर्वर पे जो उनके ही T3 से आए हैं, मतलब जो टीम्स अच्छा खेल रही हैं उनको छाट के T1 में डाला जाता था। आपको डायरेक्टली इन टीम्स के अगेंस्ट नहीं भेज देते थे, वरना इन टीम्स की तो वैल्यू कम हो जाती ना भाई। अभी हम लोग दूर से बैठ के देख रहे हैं और सोच रहे हैं तो वो सोच नहीं पाते, हमें लगता है कि हम भी आराम से खेल लेंगे, तो वैसे नहीं होता था। तो अभी आपको इनके अगेंस्ट खेलना है तो मैं आपको बता दूँ, आजकल बहुत सारे अंडरडॉग टूर्नामेंट होते हैं। अंडरडॉग टूर्नामेंट से मेरा मतलब है जो 20,000, 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख तक का कोई प्राइस पूल होता है, वो टूर्नामेंट होते हैं। उन टूर्नामेंट्स में क्या होता है कि आपको क्वालिफाई करना होता है, आप अपनी टीम लेकर जाओ वहाँ पर क्वालिफाई करो, सेमीफाइनल या फाइनल्स तक पहुँचो, देन फाइनल्स में बड़ी बड़ी टीम्स को इन्विटेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल गॉडल हो गई, सोल हो गई, या फिर जो भी बड़ी बड़ी टीम्स इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है उस टाइम पे उस टूर्नामेंट का, वो उस टीम मतलब उस फाइनल्स में आ जाती हैं। तो आप उनके अगेंस्ट जब जाकर खेल पाते हो, देन आप उनके अगेंस्ट खेलोगे, उनके अगेंस्ट खेलने के बाद आप अच्छा परफॉर्म करोगे, या फिर अगर मान लो जीत गए वो टूर्नामेंट, आप जीत गए, अच्छे किल्स निकाल रहे हो, अच्छा डोमिनेशन दिखा रहे हो, एंड आप जीत गए, उसके बाद भाई आपका नाम बनना चालू होता है, तब आपको थोड़ा रिकॉग्निशन मिलता है, लोग जानने पहचानना चालू करते हैं कि भाई ये भी एक टीम है जिसने उस फलाना फलाना टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। देन आप जाकर आपको कहीं ना कहीं शायद इनविटेशन आ जाए, या फिर आपको फ्री में स्लॉट मिलने लग जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आप रिकॉग्निशन मिलेगा और वहाँ से आप थोड़ा आगे जाओगे। अब आप चाहते हो कि भाई मैं तो कंटिन्यूसली इन बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट ही खेलना चालू करूँ, तो भाई अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक सिंपल से आपको मिथ क्लियर कर देता हूँ। आपको लग रहा है भाई आपने 4 लोगों की एक टीम बनाई, वो एक दिन बहुत आगे आप लेकर जाओगे और एक दिन आप सारे के सारे साथ में रहोगे और परफॉर्म करोगे और फाड़ोगे। देखो भाई अगर आपने 1 या 2 टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर लिया ना, तो हो सकता है आप चारों बंदों ने भी किसी ने एक ने अच्छा परफॉर्म किया हो। अब चारों एक साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, चारों हर मैच में 5-5 किल निकाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कई बार क्या होगा, आपका टीममेट 7 किल निकाल लेगा, 10 किल निकाल लेगा, आपके 2 रह जाएंगे, कई बार आप ज़्यादा निकालोगे। तो वो ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस पे हो सकता है कल को कोई टूर्नामेंट आप जीतो तो आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से ऑफर आ जाए। ऑर्गेनाइजेशन चारों बंदों को ऑफर नहीं करती है, वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। आपके किसी एक बंदे को वो उठा लेंगे या किसी 2 बंदे को उठा सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि उनके पास 4-5 बंदे तो होते हैं, हो सकता है वो एक 6 प्लेयर के लिए आपको इनवाइट करें। वैसे तो देखो फर्स्ट प्लेयर या 6 प्लेयर ऐसा कुछ होता नहीं है, वो पूरी पूरी लाइनअप होती है, जो खराब खेल रहा है उसको बेंच कर दिया जाता है, जो अच्छा खेल रहा है उसको ले लिया जाता है। तो हो सकता है आपको एज अ 6 प्लेयर, मैं बता रहा हूँ 6 प्लेयर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपको एज अ 6 प्लेयर ले लें वो, तो ऐसा होता है। या फिर 2 बंदे ले लें उनके पास कमी हो, मान लो 3 बंदे 4 बंदे, तो हो सकता है वो 2 प्लेयर आपकी टीम में से ले लें। देन आप एक बार कॉम्पिटेटिव सिनेरियो या फिर किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से एंट्री कर लोगे ना कॉम्पिटेटिव में, तो आप बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेल सकते हो। फिर आप सोचो कि भाई मैं तो आगे आ गया, अच्छा नहीं लग रहा, मेरे टीममेट्स पीछे रह गए, तो भाई एक बार आप एंट्री कर गए ना तो आप अपने टीममेट्स को लेकर आ जाओगे। इसको बोलते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म में क्या होता है, बॉलीवुड में आपको पता है कि भाई अच्छे अच्छे जो एक्टर्स हैं लीड, मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं एवरग्रीन एक्टर्स हैं, ठीक है, जो सीनियर्स हैं, वो अपने बेटों को बच्चों को घुसा देते हैं, ठीक है, आजकल आपको पता है क्या मतलब होता है। तो वैसे ही सेम इसमें सीन होता है भाई, कि अगर आप अच्छा खेल रहे हो, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफर कर दिया, आप तो चले गए, आपके टीममेट रह गए, बट अगर आप चले गए ना एक बार, तो आप अपने टीममेट्स को भी धीरे धीरे करके घुसा सकते हो, सबको ला सकते हो। और आजकल ऐसा ही होता है, ठीक है, मैं बड़ी बड़ी टीम्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो लोग क्या करते हैं, जैसे खुद तो जाकर बैठ गए बड़ी टीम्स में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, देन अपने ही जो उनका बेस्ट फ्रेंड होता है जिसको छोड़ के आते हैं, उसको भी ले आते हैं बाद में। अब आप लोगों को पता होगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो मैं नाम नहीं ले सकता, सॉरी फॉर दैट, कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी भाई। तो ऐसा सीन होता है। तो एक और मिथ क्लियर कर देता हूँ कि भाई आजकल बड़े बड़े जो
जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जो बड़े बड़े भाई स्क्रीम्स हो रहे हैं, उसमें अगर किसी नई टीम, आप देख रहे हो कि भाई वो सोल खेल रही है, गॉडल खेल रही है, ये सब तो खेल रही हैं, ठीक है, 16 टीम खेल रही हैं, पर 15 टीम को तुम जानते हो, एक टीम तुमने देखी भाई नहीं आई ये टीम, तो ठीक है, तो वो नई टीम ऐसे नहीं आ जाती उठ के। दो चीज़ें होती है, या तो कोई टूर्नामेंट वगैरह में उन्होंने पहले अच्छा परफॉर्म किया होगा तो उनको वहाँ पर स्लॉट मिल जाता है, वरना वो उनको स्लॉट के पैसे देने पड़ते हैं भाई। अगर तुम लोग को नहीं पता तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ ये चीज़, स्लॉट के पैसे देने पड़ते हैं, जेब में से पैसा निकालो, स्लॉट के पैसे दो एंड स्लॉट पे आकर बैठो। बहुत नाटक होते हैं भाई, तुम लोगों को नहीं पता तो, अगर मिथ है ना कि भाई हमें तो एक दिन ऐसे स्लॉट मिलेंगे, वैसे स्लॉट मिलेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। पूरा पिछवाड़ा जी घिसा के तुम आगे जाओगे, देन जाकर तुम्हें कोई स्लॉट मिलेगा। तो मैं एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ, इतनी सी बात है कि पहले तुम अंडरडॉग्स के अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स है वो ज्वाइन करो, और वो ज्वाइन कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ, मैंने बताया नहीं है। तुम लोग काफी सारे इंस्टाग्राम, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टाग्राम वगैरह होते हैं ना, उनको जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर तुम्हें छोटी मोटी अपडेट्स मिलती रहेंगी कौन सा टूर्नामेंट कब आ रहा है, या फिर जैसे विलेजर स्पोर्ट्स हो गया, या फिर अप्सरा स्पोर्ट्स हो गया, या फिर जितने भी आपको लगते हैं आईक्यू नियो वाले स्पोर्ट्स वाले जितने भी चैनल है उनको जाके फॉलो कर लो, या फिर BGMI का जो ग्लोबल स्पोर्ट्स का एक चैनल है वहां जाके ज्वाइन कर लो, वो अंडरडॉग के लिए टूर्नामेंट्स करवाते रहते हैं। मतलब एक साल में तुम्हें ना 6 से 10 टूर्नामेंट मिल जाएंगे भाई, मतलब हर महीने हो रहे हैं आजकल, तो जाकर वो ज्वाइन कर सकते हो, बहुत इजी है भाई ज्वाइन करना। तुम्हें वहां पर डिटेल्स मिल जाएंगी, तुम्हें वहां पर एक डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा अपना, कहां पर कैसे ज्वाइन करना, अपने टीममेट के नाम वाम भरो, आधार कार्ड जो भी लगेगा लगाओ और चालू करो भाई अपना ग्राइंड करना, ठीक है, खेलना। और तुम लोग सोचोगे भाई बड़े टूर्नामेंट में खेलने से पहले हमारी टीम कहां पर ग्राइंड करे, वो भी बता देता हूं तुम्हें। देखो सारा कुछ लिखा हुआ है इसलिए मुझे याद आ रहा है करके। अब बड़ी टीम्स, मतलब तुम अगर अपनी टीम को ग्राइंड करवाना चाहते हो तो भाई जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में सुना होगा तुमने, काफी सारे यूट्यूबर, काफी सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ही क्या है एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे बैटल एक्सो हो गया भाई, एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से जाके, iOS से जाके, वहां पे तुम बैटल एक्सो में पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलो वो तो फ्री है, काफी सारे पेड भी होते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, 20-30 रुपए 50 रुपए देने टीम को मिला के, 10-10 रुपए दो डेली के, तुम 10-10 रुपए तो दे ही सकते हो। वहां पर जाके वो ज्वाइन करो, पार्टिसिपेट करो, एंड वहां पर जाके बंदों को फोड़ना चालू करो, जो स्ट्रेटेजी यूज करनी है, जैसे खेलना है, जो रोटेशन यूज करनी है, सारी वहां प्रैक्टिस करो, देन तुम उसे टूर्नामेंट में अप्लाई करो, तब जाकर तुम अच्छी प्रैक्टिस और ग्राइंड कर पाओगे, देन टूर्नामेंट जीत पाओ। तो इस तरह से सारा भाई कुछ होता है। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना, मैं कमेंट में सबको रिप्लाई देता हूं, आपको भी दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग आउट।